मृद्विका के साथ आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ठक, आवाज आई। अनुष्का ने ग्लास को बहुत जोर से टेबल पर रखा था जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी बाहर गिर गया। अनुष्का उठकर बाहर जाती हुई बोली, मैं जाती हूं और दूसरा पानी का ग्लास लेकर आती हूं। लक्ष्य की नजरें उसको बाहर जाते हुए देखती रही। वो मुस्कुराया और उसने ग्लास उठाकर उसमें से वहीं से पानी का घूंट भरा जहां पर अनुष्का के होठों के हल्के निशान थे। जैसे ही अनुष्का वापस आई, दोनों ने अपना डिस्कशन कंटिन्यू किया। थोड़ी ही देर में लक्ष्य ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, ऑलरेडी 12:30 बज गए हैं, मुझे माफ करना, मैंने टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और डिस्कशन इतना लंबा कर दिया। अनुष्का ने कहा, नो प्रॉब्लम, ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इस वक्त तो बस यही मैटर करता है कि तुम्हें काम से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। और ये तो बस एक ड्राफ्ट है, अभी तो इसमें कुछ रिविजन्स भी होंगे। वैसे तुम इन डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो? दरअसल वो अपनी सिलेक्शन के चांसेस जानना चाहती थी। लक्ष्य ने सिर हिलाते हुए कहा, बुरे नहीं है। उसके बाद वो खिड़की की तरफ गया और बाहर देखते हुए बोला, अरे इतनी तेज बारिश होनी कब स्टार्ट हुई? अनुष्का उसके पीछे गई। उम्मीद से परे हल्की बूंदाबांदी अब तेज बारिश में बदल गई थी। हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी तो और आंधी आएगी। बारिश से पूरे रोड पर घुटनों तक पानी भर चुका था। लक्ष्य ने धीरे से कहा, बहुत पानी भर गया है रोड पर, ऐसे में तो गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। ये बोलते वक्त लक्ष्य दिखा तो ऐसे रहा था जैसे वो अपने आप में ही सोच रहा है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ अनुष्का पर ही थी। उसके एक्सप्रेशन से ये साफ पता चल रहा था कि वो अनुष्का को सुनाने के लिए ऐसा कह रहा है। अनुष्का समझ नहीं पा रही थी कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। लक्ष्य ने अनुष्का पर से नजर हटाई और खिड़की की ओर देखकर बोलने लगा, ऐसे मौसम में तो बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इतनी बारिश में ड्राइव करना आसान नहीं होगा। उसकी आवाज तो धीमी थी पर उसने ये ध्यान रखा था कि अनुष्का तक उसका मैसेज पहुंच जाए। अनुष्का कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, हो सके तो आप आज रात यहीं रुक जाओ। लक्ष्य ने धीरे से सिर घुमाया और गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं रुक जाता हूं। अनुष्का ने तो बस फॉर्मेलिटी की थी, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लक्ष्य एक बार बोलने पर ही इतनी आसानी से मान जाएगा। लक्ष्य ने रूम से बाहर निकलते हुए कहा, मैं जाकर नहा लेता हूं, क्या तुम्हारे पास कुछ कपड़े हैं जो मैं पहन सकता हूं? अनुष्का ने जवाब दिया, नहीं। लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा और मन ही मन खुश होता हुआ वहां से चला गया। उस वक्त उसके दिमाग में चल रहा था, अच्छा है तो इसका मतलब यहां कोई और लड़का नहीं रहता है। अनुष्का जब ध्यान नहीं दे रही थी तब लक्ष्य वो बॉक्स बाथरूम में ले गया जो उसने शॉपिंग करते टाइम बाद में खरीदा था। उसमें अंडरगार्मेंट्स थे। जब लक्ष्य नहा रहा था तब अनुष्का ने एक पिलो और ब्लैंकेट लिविंग रूम में रखे सोफे पर लाकर रख दिए। उसके बाद उसने एक एक्स्ट्रा टूथब्रश भी लाकर वहां रख दिया। अनुष्का नहाने का सोप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह हमेशा घर में एक्स्ट्रा रखती थी, क्योंकि उसके पास काम की वजह से इतना टाइम नहीं होता था कि वो बार बार शॉपिंग करने बाहर जा सके। जब लक्ष्य नहाकर बाहर आया तो अनुष्का ने देखा कि उसने शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम लक्ष्य मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं थे का बहाना मारकर बिना कपड़ों के बाहर नहीं आया था। अनुष्का ने देखा कि उसके बाल पूरी तरह सूखे हुए नहीं थे, उसने अपने बाल ज्यादा अच्छे से नहीं सुखाए थे। लक्ष्य ने बाथरूम से बाहर आकर सोफे पर पिलो और ब्लैंकेट रखे देखे तो पूछा, तुम नहीं नहा रही? सच तो ये था कि अनुष्का अपने घर में एक लड़के की अचानक प्रेजेंस से परेशान थी। वो थोड़ा ध्यान से रह रही थी और लक्ष्य के वहां रहते उसका नहाना हल्के में लेने वाली बात नहीं थी। लक्ष्य ने इस बार बहुत नॉर्मल तरीके से उसे ट्रीट किया।
कभी कभी तो जब वो उसे देखता था तो अनुष्का अंदर से कांप जाया करती थी। अनुष्का को लगा कि वो इस दुनिया में आखिरी बंदा होगा जो उसे गलत नजरों से देखेगा, और ये सोचकर वो नहाने के लिए अपनी नाइट ड्रेस बाथरूम में ले गई। वो जल्दी से नहाई क्योंकि लक्ष्य के वहां होने से कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। उसने अच्छे से टॉवल से अपने बाल सुखाए क्योंकि वो लक्ष्य के सामने बिल्कुल भी गीली नजर नहीं आना चाहती थी। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो ये देखकर शॉक हुई कि सोफे पर कोई नहीं था। उसे पता था कि लक्ष्य कहाँ होगा। वो अपने बेडरूम की तरफ गई। जब वो अंदर पहुंची तो लगभग चकरा सी गई। अनुष्का के बेड पर लक्ष्य पहले से ही अपने कपड़े उतार कर और ब्लैंकेट ओढ़कर लेटा हुआ था। वो अपने दोनों हाथ सिर के नीचे लगाकर और हल्का सा झुककर खिड़की से बाहर बारिश देख रहा था। उसके कंधे और हाथ ब्लैंकेट से ढके हुए नहीं थे। अनुष्का ने सोचा कि लक्ष्य ने ब्लैंकेट के अंदर कुछ नहीं पहना हुआ है। लक्ष्य ने खिड़की से नजर हटाकर अनुष्का को देखकर पूछा, तुम्हारा हो गया? मैंने सोफे पर लेटने की कोशिश की लेकिन मेरे लिए वो बहुत छोटा है। मेरे आधे पैर तो उससे बाहर ही लटक रहे थे और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ अंदर आ गया। तुम हाइट में मुझसे छोटी हो और काफी पतली भी, इसलिए तुम उस पर ठीक से फिट होकर लेट पाओगी। लक्ष्य अपनी बात बोलकर अनुष्का को देखकर मुस्कुराया। अनुष्का को लगा कि शायद एक बार फिर से उसने उसे गलत समझ लिया है। अनुष्का ने सोचा कि वो उसका सबसे बड़ा क्लाइंट हो सकता है और इसलिए उसे उसका ध्यान रखना होगा, और वैसे भी उससे एक बेड के लिए लड़ना ठीक नहीं रहेगा। अनुष्का जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, वैसे भी मुझे ही वहां सोना था। मैंने वहां पिलो और ब्लैंकेट अपने लिए ही रखा था। मैं ही तुम्हें बताना भूल गई थी। लक्ष्य अनुष्का को ऐसे देख रहा था जैसे उसे उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ हो। अनुष्का ने कहा, मैं सोने जा रही हूं, गुड नाइट। लक्ष्य ने एक शब्द भी नहीं कहा और तुरंत आंखें बंद की। अनुष्का ने दरवाजा बंद किया और जाकर सोफे पर लेट गई। ब्लैंकेट थोड़े दिन से बेड में अंदर रखा हुआ था तो इसलिए उसमें से बेड में डाली हुई कीड़े मारने की दवाई की स्मेल आ रही थी। स्मेल के साथ साथ उसके दिमाग में लक्ष्य के बिना कपड़ों के ब्लैंकेट में लेटे होने का वही सीन चल रहा था। जो ब्लैंकेट लक्ष्य ने ओढ़ा हुआ था वो उसे रोज ओढ़ा करती थी। ब्लैंकेट में कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर लक्ष्य की बॉडी टच ना हुई हो। एकदम से अनुष्का का शरीर अनकंफर्टेबल हो गया जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रही थी और बस सोफे पर करवटें बदल रही थी। वहां बेडरूम में लक्ष्य की हालत और ज्यादा खराब थी। उसने अभी थोड़ी देर पहले ही अनुष्का को दरवाजे पर सिर्फ नाइट ड्रेस पहने हुए देखा था। उसके सेंट की खुशबू को वो भुला नहीं पा रहा था। अनुष्का को ऐसे नाइट ड्रेस में याद करके लक्ष्य के शरीर की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। उसने खुद को शांत करने के लिए एक लंबी सांस ली लेकिन फिर भी वो उसकी खुशबू को भुला नहीं पा रहा था। अनुष्का के ख्यालों ने और उसकी खुशबू ने उसको पूरी तरह से घेर लिया था क्योंकि आखिर वो अनुष्का के ही बेड पर उसी का ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था। लक्ष्य को लगा कि उसने खुद अपनी कब्र खोद ली है। वो बहुत ही बेचैन और परेशान हो रहा था और उसका खुद पर कुछ कंट्रोल नहीं था। वो करवट लेकर अपने पेट के बल लेट गया और उसने अपना मुंह अनुष्का की पिलो में गाड़ दिया। उसे उसमें से भी अनुष्का के बालों की ही खुशबू महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो और उसकी खुशबू उस कमरे से कहीं गई ही ना हो। लेकिन वो अभी भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। उसने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराकर अपना सिर पीछे से पिलो पर रब करना शुरू किया, और वो तब तक नहीं रुका जब तक उसकी खुद की खुशबू पिलो में से नहीं आने लगी। उसके बाद उसने पलंग के एक तरफ से दूसरी तरफ पलटना शुरू कर दिया। नहाने के बाद भी उसकी बॉडी से उसके सेंट की खुशबू पूरी तरह नहीं गई थी। क्योंकि वो पूरे बेड पर पलट रहा था इसलिए उसकी खुशबू पूरे बेड से आने लगी। फाइनली उसने बेड पर पलटना बंद किया
उसके दिमाग में फिर कुछ आया। उसने पूरा ब्लैंकेट खुद पर लपेट लिया और सिकुड़कर फिर से पलंग और कंबल में खुद को रगड़ने लगा। फाइनली जब उसे खुद की और अनुष्का की खुशबू एक साथ बिस्तर पर से आने लगी, तब जाकर उसने सोने के लिए शांति से अपनी आंखें बंद की। दूसरी तरफ अनुष्का आराम से सो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने बेड पर ही सो रही हो, जहां सॉफ्ट गद्दे, साफ बेडशीट और उसका अपना पिलो हो। उसको फील हुआ कि उसके शरीर पर कुछ लिपट रहा है। उसको एकदम अपने ऊपर एक प्रेशर आता हुआ फील हुआ, जैसे कि कोई उस पर चढ़ रहा हो। वो बहुत हैवी तो नहीं था, लेकिन ऐसा लगा कि वो सख्त मोटी दीवारों के बीच है। नींद में ही बिना होश के जैसे ही उसने अपने हाथों से धक्का देने की कोशिश की, उसके हाथ किसी की सॉफ्ट स्मूथ स्किन से टच हुए। कुछ सॉफ्ट सा उसके होठों के पास आ रहा था। उसकी गर्माहट और गीलापन उसे ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे उसके होठों पर कोई करंट लग रहा हो। अनुष्का नींद में बड़बड़ाई। उसको कोई अंदाजा नहीं था कि वो ये किस तरह का सपना देख रही है, लेकिन वो नींद में बोली, रणवीर। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपने होंठ खोले, तभी उसको अपने मुंह में एक गर्माहट सी महसूस हुई और उसके होंठों को किस कर दिया गया। वो किस बहुत ही गहरी और इंटेंस थी। अनुष्का ने अपनी आंखें खोलते हुए आईब्रो ऊपर की। फाइनली उसको अपने मुंह में कुछ महसूस होने की वजह से ये एहसास हुआ कि वहां कुछ तो गलत हो रहा है। उसने जब आंखें खोलकर अपने ऊपर किसी को इस तरह देखा तो वो घबरा गई। उसने हैरान होकर बोला, लक्ष्य? लक्ष्य उसके ऊपर था। उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। अनुष्का उसको अपने ऊपर देखकर शॉक थी और उसने एकदम जोर लगाकर उसे बेड से धक्का दिया। एक ठक करके आवाज आई और लक्ष्य जमीन पर बैठकर बड़बड़ाया, अंजलि तुम क्या कर रही हो? अनुष्का बेहिचक बेड से उतर गई और इस वक्त उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इस सुबह की शुरुआत काफी खराब हुई थी क्योंकि लक्ष्य उसका फायदा उठाने के लिए उसे बिना मतलब के बिस्तर पर ले गया था, और उससे भी ज्यादा खराब हुआ था कि वो उसे किसी और औरत के नाम से बुला रहा था। अनुष्का इतना गुस्सा थी कि गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है और इसीलिए उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। अनुष्का ने कहा, लक्ष्य मैंने तुम्हें यहां रुकने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो बिजनेस के लिए खुद के आत्मसम्मान के साथ धोखा करूं और अपनी इज्जत दांव पर लगा दूं। अनुष्का का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी थी क्योंकि अब उसका गुस्सा और उसका दुख हद पार कर चुके थे। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लक्ष्य की जिंदगी में सचमुच अंजलि नाम की कोई लड़की है भी, या फिर वो नाम बस एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लक्ष्य के एक्सप्रेशन बदल गए थे जिसे देखकर अनुष्का डर गई थी, लेकिन उसे लगा कि यहां गलत तो मेरे साथ हुआ है, फिर मैं क्यों इससे डर रही हूं? लक्ष्य ने गुस्से से कहा, मैं लक्ष्य खन्ना उन लोगों में से नहीं हूं जो बिजनेस के नाम पर लड़कियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर मैं ऐसा होता तो आज मेरे आसपास बहुत सी लड़कियां होती। लक्ष्य ने आज पहली बार अनुष्का से इस तरह बात की थी। अनुष्का ने भी गुस्से में पलटकर उससे पूछा, मैं तो सोफे पर सो रही थी ना, तो ये तो जाहिर सी बात है कि मैं खुद तो चलकर आधी नींद में पलंग पर आई नहीं होंगी। बताओ फिर मुझे कि मैं यहां कैसे आई? लक्ष्य ने कहा, मैं आधी रात को पानी पीने के लिए उठा था और मैंने देखा कि तुम सोफे पर परेशान सी होकर सो रही थी और बार बार करवटें बदल रही थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।